चलते कंटेनर से चोरों ने उड़ाए डिस्पोजल ग्लास से भरे कार्टन। 11 दिन के भीतर ये दूसरी घटना। शिवपुरी जिले के बदरवास और कोलारस थाना क्षेत्र में ट्रक कटिंग के मामले सामने आने लगे, जहां अज्ञात बदमाश चलते ट्रक से ट्रक में भरे माल को चोरी कर लेते हैं और ट्रक के ड्राइवर को इस बात की भनक तक नहीं लगती। ऐसी ही एक चोरी का मामला कोलारस थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया, जहां अहमदाबाद से पटना जा रहे चलते ट्रक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसकी शिकायत ट्रक के ड्राइवर ने कोलारस थाने में दर्ज कराई है। राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले ड्राइवर रामलाल जाट ने बताया कि वह कंटेनर NL01AF9574 मैं अहमदाबाद और जामनगर से कंटेनर में बिजली के कटआउट और डिस्पोजल ग्लास के 133 पैकेट भरकर 17 मई को बिहार के पटना के लिए चला था। रात में वहां गुना से लगभग 40 किलोमीटर निकलने के बाद उसने कंटेनर को चेक किया था, लेकिन उस वक्त सब ठीक ठाक था। लेकिन जब कोलारस थाना क्षेत्र के पडौरा चौराहे के पास एक होटल पर कंटेनर का टायर चेक करने को रुका, कंटेनर के दरवाजे में लगी सील टूटी हुई थी। दरवाजा खोलकर देखा तो कंटेनर में भरे डिस्पोजल ग्लास के 30 पैकेट गायब थे। प्रति पैकेट की कीमत लगभग 2000 रुपये के आसपास है। रात में ही 100 डायल लगाकर सूचना दी गई। इसके बाद डायल 100 ने कोलारस में पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई थी। शनिवार को कोलारस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोलारस थाना प्रभारी मनीष शर्मा का कहना है कि मामला दर्ज करने से पहले पुलिस पुरनखेड़ी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करेगी, इसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 9 मई को बदरवास थाना क्षेत्र में भोपाल से ग्वालियर जा रहे कोरियर से भरे कंटेनर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। चोरों ने चलते ट्रक से 22 पैकेट कोरियर के चुरा लिए थे, जिनकी कुल कीमत 95,000 रुपये आंकी गई थी। और अब 11 दिन के भीतर ट्रक कटिंग की दूसरी घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले की पड़ताल करने में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? रामलाल है सर। अच्छा, ये आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर मैं ये अहमदाबाद से पटना जा रहा था। ऊपर पटना का माल था अहमदाबाद से और नीचे जामनगर से पटना का माल था। क्या भरा था इसमें? सर इसमें वो फ्यूज थे, उसका क्या नाम है, कटआउट थी और ये प्लास्टिक वाले पाउच गिलास थे सर, रबर के डिस्पोजल गिलास। हाँ डिस्पोजल प्लास्टिक वाला। हाँ प्लास्टिक वाला सर। अच्छा, ये कहाँ पे कैसे क्या हुआ? सर ये मैं उधर गुना से 40 किलोमीटर के समथिंग आगे मैंने चाय पिया था सर। हाँ वहाँ चाय पी के फिर मैं चला हूँ सर यहाँ ये अवतार होटल के पास में से सर आगे निकल के थोड़ा सा बाजू में मैंने टायर चेक करने के लिए नीचे उतरा सर। तो वहाँ से नीचे से उतर के ड्राइवर साइड में पीछे से कंडक्टर साइड में जा रहा हूँ तो पीछे मेरे गाड़ी के डोर के जो लॉक थे वो नीचे लटक रहे थे। तो सर वो लॉक नीचे लटक रहे थे, मैंने देखा निकाल खोल के तो ऐसे ही खुल गया सर। देखा तो पीछे से माल निकला पड़ा है सर। मैंने फिर उसके बाद 100 नंबर पे कॉल किया, वहाँ से कंप्लेन करवाई तो वहाँ से मेरे को बोला आपके पास कोलार थाना से पुलिस के अधिकारी आएगा, वो आपको आपकी शिकायत दर्ज कर लेंगे। तो सर वहाँ से मेरे को नाइट में ले आए, थाना के अंदर खड़ा किया, बोला सुबह में आपको कुछ देखे। सुबह में सर जब थानेदार साहब आए उसके बाद एक आदमी आया वो उधर साफ सफाई का काम करता, उसने बोला गाड़ी बाहर निकालो, साहब ने गाड़ी बाहर निकाल दी बोला। तो सर मैंने बाहर निकाल के थाने के आगे गाड़ी खड़ा कर दिया सर, मेरी शिकायत दर्ज नहीं की। चलते ट्रक से गाड़ी चोरी माल चोरी हुआ? हाँ सर चलती गाड़ी में से माल चोरी हुआ। इससे पहले कभी और आपका हुआ है? नहीं सर जिंदगी पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है सर। आपको एहसास नहीं होता चलते ट्रक में से गाड़ी माल चोरी हुआ? महसूस नहीं हुआ। अच्छा,